पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ब्लॉक धर्मशाला की शहरी व ग्रामीण इकाई की विशेष बैठक डिपो बाजार की जोधामल सराय में आयोजित की गई। इसमें प्रधान प्रदीप वालिया व वीएस महाल ने अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में सरकार की ओर से पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के प्रति सकारात्मक परिणामों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें लंबे समय से लंबित चल रही 5 मांगों को जेसीसी की बैठक में ही पूरा कर लिया गया था, जबकि अन्य मांगों को भी पूरा कर दिया गया है। इसमें अब 5, 10 और 15% का लाभ भी पेंशनर्स को प्रदान किया गया, साथ ही 50,000 एरियर की किस्त भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पेंशनर्स संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों व सदस्यों को सम्मानित किया गया, साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर मंथन करके कलमबद्ध किया गया, जिन्हें सरकार से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा ब्लॉक धर्मशाला की बैठक आज बुलाई गई है। एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि चुनाव से पहले इस बैठक का गठन किया गया है। आज की बैठक में हमारे मुख्य मुद्दे थे कि हमारी जो 31/8/2022 को जो शिमला में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो जेसीसी हुई थी, और जेसीसी की मीटिंग्स में जो पेंशन ने मुद्दे उठाए थे, जो मांगें थी, उन मांगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर घोषणा की थी, और 5 डिमांडें जो थी वहाँ पर मान ली गई थी। आज हमें बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन 10 मांगों में हमारी 6 मांगे जो हैं उनकी अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पेंशन की मांगों को मानने के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और बड़ी गंभीरता के साथ एक 15 साल की जो हमारी मुख्य मांग थी कि 5, 10, 15% जो अलाउंस 65, 70 और 75 वर्ष आयु पूरा करने पर जो अलाउंस दिया जाता था, उसको रिवाइज्ड पेंशन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने देने के बारे में घोषणा जारी ही नहीं की, उसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और ये 1 अक्टूबर से वो अलाउंस जो है वो मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो 50% और 30% के बारे में जो अधिसूचना जारी की है कि 50% और 30% बेसिक पेंशन जो है वो पेंशन को दी जाएगी, उसके बारे में 8/2022 की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है, और हर एक डिपार्टमेंट जो है उसकी अधिसूचना के कार्यक्रम में हर एक पेंशन की पेंशन जो है वो रीफिक्स करेगी, जिसमें 2.57 से ज़्यादा पेंशन जो है वो पेंशनों की बढ़ेगी। और इसके अलावा 50,000 रुपया जो है हर एक पेंशन को, जो हमारी मांग थी उनके एरियर जो बनता है पेंशन का, 1/16 से जो एरियर बनता है, 50,000 रुपये जो है हर एक पेंशन के खाते में डाल दिया गया है। और उसके अलावा एक जो हमारे ग्राम स्तर पर जो सचिव हैं, ग्रामीण सचिव, उनको पेंशन के लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में अटेस्टेशन की बाबत जो है दे दी गई है, ताकि भविष्य में ग्रामीण में जो हमारे पेंशन है वो सचिव से अटेस्टेशन करा करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वोटर जी को दे दिया करेंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।